प्रधानमंत्री ने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कोरबा जिले के ग्राम पुदमुरा पहुंचे, विभिन्न समाजों के भवन निर्माण के लिए की राशि स्वीकृत। गौठान पोल खोल अभियान के तहत सरोज पांडेय ने किया गौठान का निरीक्षण, राज्य सरकार पर लगाया 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। और मुंगेली में किया गया जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं थानेन्द्र साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 25 साल में विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है और यही हमारा सपना है। हम हमेशा अपने मूल पर टिके रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा प्रतिभा का भंडार है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान का दर्जा देता है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के अनुसार विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में अगर कोई देश मजबूती से खड़ा है तो वह है भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी रिकॉर्ड निर्यात किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और यह विश्व में स्मार्टफोन डेटा उपभोक्ता के मामले में भी शीर्ष पर है। श्री मोदी ने कहा कि भारत हजार वर्षों से एक जीवंत सभ्यता है और लोकतंत्र की जननी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में जब G20 की अपनी प्रेसिडेंसी तय करता है तब कहता है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। दुनिया जानना चाहती है, आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी जीवन शैलियां भले ही अलग हैं, हमें योग, क्रिकेट, फिल्में, मास्टर शेफ और पर्व त्यौहार भी जोड़ते हैं। इस सामुदायिक कार्यक्रम में 20,000 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के ग्राम कुदमुरा पहुंचे। यहाँ उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों की मांग पर सामाजिक भवन निर्माण के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत की। साथ ही उनकी समस्याओं के निदान के निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करतला क्षेत्र तक
बांगो नहर का विस्तार करने और पानी पहुंचाने की घोषणा की। इसके अलावा रामपुर और उमरेली में महाविद्यालय और करतला में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की भी घोषणा की। विधानसभा में जिला में रीपा का भी निरीक्षण किए और भेंट मुलाकात कार्यक्रम किए और सभी विभागों के बारे में जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में जानकारी जो हितग्राही हैं उनसे हम लोगों ने लिया है और सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, चाहे राशन का हो, चाहे वो धान विक्रय का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे लघु खरीदी की बात, बिंदु पत्ता की बात हो, सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ जो बड़ी मांग थी कि कुतमुरा से श्याम तक की जो सड़क है और उसकी स्वीकृति और दो महाविद्यालय इस्लामपुर और उमरेली, दो जगह महाविद्यालय, तीन जगह हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्नयन, तमाम इन के साथ बहुत सारे मांगे थी जिसकी मैंने घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बरपाली में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने और रामपुर में 25 देवगुड़ी बनाने की भी घोषणा की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर गौठानों में 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार के 14वें तथा 15वें वित्त के साथ DMF और मनरेगा के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। श्री कौशिक ने कहा कि भाजपा नेताओं ने बिल्हा, मस्तूरी, बिलतरा और तखतपुर के गौठानों का निरीक्षण किया, इनमें मवेशियों के लिए चारा पानी का इंतजाम नहीं है, वहीं वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले को भुगतान नहीं किया गया है। श्री कौशिक ने केंद्र के 14वें तथा 15वें वित्त की राशि के साथ DMF और मनरेगा के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इधर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने दुर्ग जिले में स्थित कोस्ता नाला गौठान का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया, गौठानों में राज्य सरकार द्वारा काफ़ी खर्च करके साज सज्जा का कार्य किया जा रहा है, मगर जब वे गौठान पहुंची तो वहां पर गायें नहीं थी और गौठान में अव्यवस्था का आलम था। क्षेत्र में जब हम यहां पर पहुंचे तो दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता यहां आए तो यहां पर कहीं कोई गाय नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज इसको जिस प्रकार से सुसज्जित किया गया, लेकिन जब सुसज्जित किया जाता है और आनन फानन में जब कोई काम होता है तो जैसा दिखाई देता है, एक गौ माता ऊपर जा चुकी है, बैठे बैठे चली गई है, भूसा है, चारा जो दिया हुआ है उसमें कोई दाना का नाम नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के गौठान में व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनके भेंट मुलाकात में लोग इस बात को कहते हैं कि वो गोबर बेचते हैं तो अपने यहाँ पर कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है, कोई सोना खरीद लेता है, ये प्रायोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री को अब कहना बंद कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चा मंडलों द्वारा गौठान पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा के लोग गौठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर गौठानों की हकीकत को जनता के सामने ला रहे हैं। आकांक्षी जिलों में से एक महासमुंद जिला प्रदेश का डिजिटल जिला घोषित किया गया है। इस बारे में लीड बैंक के प्रबंधक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा महासमुंद जिले को प्रदेश का पहला डिजिटल जिला घोषित किया है। जिले के सभी हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मार्च 2023 के आंकड़ों के आधार पर हमने ये हमको SLBC और RBI ने जॉइंटली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित किया है और निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को जब हमने इम्प्लीमेंट किया है तो बहुत सारे आयोजन किए हैं, कैंप्स लगाए हैं BC के माध्यम से, ब्रांचेज के माध्यम से और फील्ड विजिट्स भी बहुत सारी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च, जैसे कि जब प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 DBUs जब लॉन्च किए थे पूरे देश में, तो महासमुंद में भी DBU का शुभारंभ हुआ था और डिजिटल सेवाओं का जो स्तर है वो महासमुंद जिले में काफ़ी एनहेंस हुआ है और ये आम जनों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेके आया है। डिजिटल जिला के बारे में उपभोक्ताओं का कहना है कि वे खाता खुलवाने के बाद पैसे निकालना, पासबुक भरना स्वयं करते हैं, इससे समय की बचत होती है। उस सुविधा को देखते हुए सारे कस्टमर इसका उपयोग करने लगे,
शुरू में तो समझ नहीं आया कि डिजिटल बैंकिंग कैसे हम उपयोग करें। धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो आज सब लोग इस सुविधा का उपयोग करते हैं। मैं खुद भी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का और यूनो SBI का मैं उपयोग करता हूँ और मेरे सारे ट्रांजेक्शन इसी के माध्यम से होता है। मैं बिजली बिल, अपना मोबाइल रिचार्ज, अपना TV रिचार्ज, अपना RTO का, बीमा का, जो भी है इन्हीं के माध्यम से करता हूँ। मेरा समय भी बचता है, सुविधा भी होती है और कम समय में अपना काम हो जाता है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 से देश के 42 जिलों में डिजिटल जिला अभियान शुरू किया गया था। इनमें महासमुंद जिला भी शामिल है। जिले में सरकारी और निजी कुल मिलाकर 24 बैंकों की 118 शाखाएं संचालित हैं, जिसमें 13,34,770 खाते हैं और सभी खाता धारकों को कम से कम एक डिजिटल सेवा से जोड़ा गया है। इन्हें ई बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय और युवा कार्यक्रम तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा मुंगेली में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साव ने कहा कि युवा उत्सव का आयोजन देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए किया जाता है। इससे नई प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलता है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार भारत सरकार की योजना से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए ये युवा महोत्सव का आयोजन मुंगेली में संपन्न हुआ है। युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि युवाओं के प्रतिभाओं को अवसर मिल सके। ये जिला स्तर पर चयनित जो प्रतिभागी हैं वो राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे और राज्य स्तर में चयनित प्रतियोगी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो निश्चित रूप से मुंगेली के इन युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का आज अवसर मिला है। जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में चित्रकला, कविता लेखन, फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस बारे में नेहरू युवा मंच मुंगेली के कार्यक्रम समन्वयक अरुण कुमार ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में जिले के तीनों विकासखंड मुंगेली, पथरिया और लोरमी के युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न शासकीय और अन्य विभागों की जानकारी से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर सर्वोच्च स्थान पर रहीं, जबकि गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उमा हराती एन तीसरे स्थान पर हैं। इस परीक्षा में 933 प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के 345, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 99, अन्य पिछड़े वर्गों के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। सिविल सेवा परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, पुलिस सेवा और अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कोरबा जिले के ग्राम कुदमुरा पहुंचे। विभिन्न समाजों के भवन निर्माण के लिए की राशि स्वीकृत। गौठान पोल खोल अभियान के तहत सरोज पांडे ने किया गौठान का निरीक्षण। राज्य सरकार पर लगाया 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। और मुंगेली में किया गया जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।